सोनपुर गांव में रमेश अपनी पत्नी के साथ रहता था। रमेश एक किसान था जो पूरा दिन अपने खेत में काम किया करता था। वह टमाटर की फसल बहुत अच्छे से किया करता था, जिसके कारण अच्छे मुनाफे भी हो जाते। वह इसी से अपना घर परिवार चलाता था। पिछले वाला फसल अच्छा होने के कारण रामू अपना कर्ज भी चुका दिया था। इस बार मैं किसी दूसरे फसल का बुआई करूंगा। मौसम के अनुसार बैंगन का पेड़ लगाना सही रहेगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस मौसम में तो बैंगन का ही खेती अच्छा होता है। मैं कल से ही बीज लगाना शुरू कर दूंगा। रमेश अगले ही दिन अपने खेत में बैंगन का पेड़ लगाने की पूरी तैयारी करने लगता है। अरे, इस वाले फसल में तो मेरा सारा जमा किया हुआ पैसा खत्म हो गया, लेकिन आधा काम भी नहीं हुआ है। एक काम करता हूँ, जमींदार से फिर से जाकर पैसे उधार ले लेता हूँ। वो जमींदार के पास जाकर कुछ पैसे उधार ले लेता है। सुनो रमेश, पैसे वापस करने में इस बार समय नहीं लगना चाहिए, तुम तो जानते ही हो। पैसे वापस करने में समय लगा तो मैं क्या कर सकता हूँ। राम उस पैसे से बैंगन के पेड़ लगा देता है। हो गया पेड़ का काम, अब बस मौसम साथ दे तो महीने के बाद बहुत सारे बैंगन आने लगेंगे, जिससे जमींदार के पैसे समय पर वापस कर पाऊंगा। इस बार कुछ भी करके रामू का फसल तैयार नहीं होने देना है, जिससे वह जमीन मेरा हो जाएगा। जल्दी से कुछ करना पड़ेगा। अरे जल्दी कुछ दे दो, खेत जाना है। ये लीजिए, आज यही है खाने में। वह खेत जाकर काम करने लगता है। कुछ समय बाद उसे भूख लगता है। जोर से भूख लग गया, खाना खा लेता हूँ। वह खाना खाने ही वाला था कि वहाँ एक साधु आ पहुँचा। कुछ है तो दे दो खाने के लिए, जोरों से भूख लगा है। मेरे पास तो सिर्फ रोटी और प्याज है, क्या आप इसे खाएंगे? क्यों नहीं, ये लीजिए। रमेश ने कुछ रोटी और प्याज उस साधु को खाने के लिए दिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, कभी जरूरत हो तो याद कर लेना, मैं आ जाऊंगा। वह साधु वहां से चला जाता है। रमेश अपने खेत में काम करके घर चला जाता है। इधर जमींदार जमीन लेने के पीछे पड़ा था। वो अपने आदमी से कहता है, आज रात रमेश के खेत जाकर तुम लोग उसके सारे पेड़ खराब कर दोगे, जिसके कारण वो मेरा पैसा वापस नहीं कर पाएगा और मैं उसका जमीन छीन लूंगा। उसके आदमी अंधेरे होते ही उसके सारे पेड़ नोच डाले। अगले सुबह जब रमेश अपने खेत पहुंचा तो देखा एक भी पेड़ खेत में नहीं है। अरे ये क्या हो गया, मेरे सब पेड़ कहाँ चले गए? और फिर खेत में इतने सारे लोगों के पैरों के निशान, लगता है किसी ने जानबूझकर मेरे सारे पेड़ नोच डाले। किसी से मेरा क्या दुश्मनी है, अब मैं जमींदार को कैसे पैसे वापस करूंगा? वह उदास मन लिए घर चला जाता है। अरे आज आप जल्दी आ गए, लेकिन आप उदास क्यों हैं? चिड़िया ने फसल खा ली क्या? रमेश अपनी पत्नी को सारा बात बताया। हम दोनों से किसी का क्या दुश्मनी होगी जो मेरे सारे पेड़ नोच डाले, अब पैसे कहाँ से आएंगे? आप तो जानते ही हैं कि जमींदार का नजर बहुत दिनों से अपने जमीन पर है। अगर जमींदार को समय पर पैसे नहीं दिए तो वह फसल बोने के लिए जमीन भी नहीं रहेगा। अरे रमेश, क्या तुम फसल नहीं बोए? नहीं मालिक, मैंने बैंगन के बीज लगाया था, किसी ने नोच डाला। क्या तुम भी सुबह सुबह झूठ बोल रहे हो, कहीं जाकर जुआ और शराब में पैसे लगा दिए होंगे। मेरे तो पैसे चाहिए 5 दिन के अंदर, नहीं तो जमीन छीन लूंगा। जमींदार वहां से चला जाता है। वह पेड़ के नीचे उदास होकर बैठ जाता है। तभी वह साधु वहां आता है। क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो? वह साधु को सारा बात बताया। तो तुम्हारे साथ ये हुआ है? तुम चिंता मत करो, सब सही हो जाएगा। तुम्हारे बगल में घड़ा है, उस घड़ा के जल को अपने खेत में छिड़क देना, जिससे तुम्हारे खेत में कल सुबह सब्जियां उग जाएंगे। वह साधु वहां से चला जाता है। रमेश सारा जल अपने खेत में छिड़क देता है और वह घर चला जाता है। वह रात भर सो नहीं पाता। अगले सुबह वह जल्दी जल्दी अपने खेत जाता है। वह खेत जाते ही देखता है कि उसके खेत में बहुत सारे टमाटर के पेड़ आ गए हैं। अरे इतने सारे टमाटर, इतने तो आज तक नहीं देखा। वह साधु को धन्यवाद किया। वह टमाटर बेचकर जमींदार के सारे पैसे वापस कर दिए। अब वह लोगों को खेती करने के लिए सारे कुछ देता, जिससे लोगों को खेती करना बहुत आसान हो जाता। उसके बदले
लोगों से वह कुछ नहीं लेता। अब जमींदार के पास पैसे के लिए कोई नहीं जाता, जिससे सारे किसान को बहुत मुनाफा होता।